हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ पीएनएमएससी हाई स्कूल। एज यू ऑल आर अवेयर, वी आर डूइंग चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स फ्रॉम आर साइंस टेक्स्ट बुक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आर एक्सप्लेनेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम एक्टिविटी 5. So, I request you all to open your textbooks, come on chapter 7 and open activity 5 so that we can start with our explanation. As you will open page number 56, you will find activity 5 on your right hand side. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass, and iodine solution for this activity. There are some materials which we require for doing this activity, and materials are hame chahiye ek leaf, chahiye spirit, beaker, test tube, burner, water, watch glass, and we also need iodine solution. Now what we have to do, take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. अब हमें क्या करना है, लीफ को टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें स्पिरिट डालना है उसके ऊपर इस तरीके से कि वो पूरा लीफ कवर कर ले. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. अब हमें क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है उसे बीकर में डालना है, उस बीकर में जिसमें आधा पानी भरा हुआ हो. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट. हमें तब तक बीकर हीट करना है जब तक वो लीफ जो है उसका पूरा ग्रीन कलर उसमें से निकल जाए. इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, किस में निकल जाए, टेस्ट ट्यूब में. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. अब हमें ध्यान से वो लीफ निकालनी है और उसे पानी से धो देना है. प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट. अब हमें उसे वॉच ग्लास पे रखना है और उसमें क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन. वॉट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2. अब आपको देखना है कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसमें, क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और फिर चैप्टर 2 में जो एक्सपेरिमेंट किया था या चैप्टर 2 में एक्टिविटी की थी उससे उसे कंपेयर करना है. व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डज इट मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट. जब हमने चैप्टर 2 में अलग अलग टाइप्स के फूड के न्यूट्रिएंट्स टेस्ट किए थे, उसमें हमने स्टार्च भी टेस्ट किया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लीफ में भी स्टार्च प्रेजेंट हो. इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि जो पोटैटो होता है उसकी स्लाइस में भी स्टार्च होता है. पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट. तो पोटैटो को वो स्टार्च कहाँ से मिलता है, लीव्स में से. पोटैटो क्या करते हैं, लीव्स में से वो स्टार्च लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. लीव्स जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करती है और ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो उनमें प्रेजेंट होता है. फ्रॉम दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और वो इस अपने लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. ओके, सो वॉट इज फोटोसिंथेसिस, वेन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीव्स अपने अंदर ले लेते हैं और यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन हमें देते हैं टू ब्रीथ. तो ऑक्सीजन इस प्रोसेस से बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो फूड लीव्स ने प्रिपेयर किया है वो क्या होता है, अल्टीमेटली वो खुद ही अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के स्टोर हो जाता है. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर. हमने आगे पढ़ा कि जो स्टेम है वो लीफ तक वाटर का सप्लाई करती है.
द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और वो लीफ जो है वो उस पानी का यूज़ करती है, उस पानी का इस्तेमाल करती है खाना बनाने के लिए. द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स हैं वो पानी रिलीज भी करते हैं कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर, अब क्वेश्चन ये है कि स्टेम और लीव्स इनको वाटर कैसे और कहाँ से मिलता है. दैट इज़ वेयर द रूट कम्स इन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रूट्स, रूट्स क्या है, कैसे उसका प्रोसेस होता है एंड सो ऑन इन 7.4. सो लुक एट 7.4 रूट. लुक एट फिगर 7.13. हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली, अब आपको 7.13 पिक्चर देखनी है जो आपके राइट हैंड साइड पर टॉप में दी हुई है. आपको क्या लगता है दोनों में से कौन प्लांट्स को करेक्ट वे में वाटर कर रहा है, पहेली और बोजो, एंड व्हाई? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज, अब इसके बारे में हम एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से और डीपली समझेंगे. यू वुड रिक्वायर टू पॉट्स, सम सॉइल, खुरपी दैट इज़ फॉर डिगिंग, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर. अब हमें ये एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, दो पॉट्स चाहिए है, थोड़ी सी सॉइल दैट इज़ मिट्टी चाहिए, खुरपी मतलब एक आई कैन से इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम सॉइल डिगिंग के लिए यूज़ करते हैं, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स, हमें या तो सीजर्स चाहिए या तो ब्लेड चाहिए, और हमें चाहिए पानी. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स. Select two plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. अब आपको दो सेम तरीके के प्लांट्स चूज करने हैं और उन्हें डिग करके उस ग्राउंड में से बाहर निकालना है. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और वो प्लांट्स निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि उनके जो रूट्स है वो ना टूटे. प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए, फिगर 7.14a. नाउ हमें क्या करना है, उन दोनों में से एक प्लांट को पॉट ए में ग्रो करना है, प्लांट करना है, जैसे नीचे फिगर 7.14a में दिखाया गया है. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, और फिर क्या करना है, जो दूसरा प्लांट है उसके जो रूट्स है वो हम सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और उसे पॉट बी में प्लांट करेंगे, पॉट पी में ग्रो करेंगे. आप अगर पेज टर्न करोगे तो वापस से आप फिगर 1.4b में देख सकते हो. वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, अब आपको क्या करना है, रोज़ उनको पानी देना है, जो पॉट में हमने प्लांट्स डाले उन दोनों प्लांट्स को रोज़ हमें पानी देना है और फिर उसे एक वीक के बाद ऑब्जर्व करना है. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, और फिर आपको देखना है क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी है. Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? अब हमने क्या किया, दोनों पॉट्स को रेगुलरली पानी दिया, पर एक प्लांट जो था वो रूट्स के साथ था और एक था वो विदाउट रूट्स. डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रूट, क्या आपको इस एक्टिविटी के थ्रू कुछ इम्पॉर्टेंस रूट का समझ में आया? Let us do an activity to study another function of root. अब हम एक और activity करेंगे to understand the functions of root. पर जब आप water करोगे plants को और एक week के बाद observe करोगे तो आप देखोगे कि जिसे हमने roots के साथ उगाया था वो ज़्यादा healthy है और अच्छे से grow करेगा, और जो plant हमने without roots grow किया था वो होगा unhealthy और वो grow नहीं कर पाएगा. Now let's see at activity 7. We would require seeds of gram and maize, cotton wool, katori and some water. अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्राम, दैट इज वी कैन टेक चना ब्लैक वन एंड मेज, कॉटन वूल एंड कटोरी दैट इज बोल, एंड वी नीड सम वाटर. नाउ वॉट वी हैव टू डू, टेक टू बोल, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम. अब हमें एक दो बोल लेने हैं और उसमें वेट कॉटन मतलब जो कॉटन बॉल्स होता है उसे गीला करके उसमें रखना है. पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन दी अदर. अब हमें क्या करना है, एक बोल में
तीन से चार सीड्स ग्राम के रखने हैं और दूसरे बोल में तीन से चार सीड्स मेज के रखने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। हमें वो जो कॉटन हमें हमने नीचे रखी है उसे हमें गीला ही रखना है, तो हमें रोज़ उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पानी स्प्रिंकल करना पड़ेगा। Until the sprouts have grown into young plants, और कब तक हम ऐसे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे, जब तक हमारे स्प्राउट्स ग्रो ना हो जाए। मैंने आपको आगे भी चैप्टर में बताया था, जब वाइट कलर का आप उसके ऊपर देख सकते हो जो वो अगर ग्रो हो जाए, दैट आर स्प्राउटेड सीड्स। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। और फिर एक वीक के बाद आपको क्या करना है, ये जो ग्रो हो गए हैं प्लांट्स उसे कॉटन में से सेपरेट करने की ट्राई करनी है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। वाई, क्या ईजी था कि आप कॉटन में से रूट्स को सेपरेट कर सको? अगर हाँ तो वह ऐसा क्यों? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हम सॉइल में से प्लांट्स को पुल नहीं कर सकते हैं। वी डग देम आउट, हमने क्या किया था, उसे डिग करके निकाला था। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। और ऐसा क्यों हुआ था, हमने क्यों उसे खाली खींच के हम नहीं निकाल पाए थे, हमें डिग करना पड़ा था, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को कि वो एकदम फर्मली सॉइल के अंदर रहे। जो रूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वो प्लांट्स को होल्ड करके रख सके सॉइल में। दे एंकर द प्लांट्स टू द सॉइल, मतलब वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर प्लांट्स को एंकर करते, स्ट्रॉन्ग बना के होल्ड करके रखते हैं। यू हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स, डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, लेट अस फाइंड आउट। अब हमने देखा कि अलग अलग स्टेम्स और अलग अलग लीव्स होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके, पर क्या रूट्स की भी वेराइटी होती है, उसके बारे में हमें समझना है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो रूट्स होते हैं वो प्लांट्स को फर्मली होल्ड करके रखते हैं सॉइल में। दूसरा हमने पढ़ा कि जो कॉटन पे हमने सीड्स ग्रो किए, जो यंग प्लांट ग्रो हो गए, उसे हमें डिग करके निकालने की ज़रूरत नहीं, हम उसे खींच के निकाल सकते हैं। अब एक्टिविटी 8 जो है वो भी रूट्स के रिगार्डिंग ही है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यू ऑल आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 7 टिल एक्टिविटी 7। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ एक्टिविटी 8 एंड रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप कंप्लीटिंग एंड अपडेटिंग योर नोटबुक्स। Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.